साथ करो, इनके साथ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इनके साथ करो, इनके साथ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इनके साथ करो, इनके साथ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हमारे मांगे पूरे करो, हमारे मांगे पूरे करो, हमारे मांगे पूरे करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और मैं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, इस वक्त हम वादिया लोलाब के वर्नव शाहबाद इलाके में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, यह इलाका, यह सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है जिसने एक ऐसे शख्स को जन्म दिया था जिसने पूरे दुनिया में आलम इस्लाम का परचम बुलंद किया था। जहाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। लेकिन नाज़रीन, अगर हम इस वक्त डेवलपमेंट के हवाले से इस गांव की बात करें तो अभी भी यहां के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मैं आपको बता दूं, आप यहां की सड़कों की हालत देख सकते हैं कि किस तरह ये सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है। बिजली का निज़ाम यहां पे जो है वो पूरी तरह से धरम भरम हो चुका है और इस हवाले से ये लोग आज इंतज़ामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है कि आखिर क्यों इस गाँव को नज़रअंदाज किया गया, आखिर क्यों इस गांव की तरफ जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल ये लोग उठा रहे हैं इस वक्त इंतजामिया से। मैं आपको बता दूं, इन लोगों के मुताबिक पिछले 4 सालों से यहां पे कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। इस हवाले से ये लोग काफ़ी परेशान है क्योंकि यहां पे बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे बिजली का निज़ाम जो है वो धरम भरम रहता है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, अगर जब इस इलाके की बात करें तो इस सरजमीन ने एक ऐसी शख्सियत को जन्म दिया है जिसने पूरे दुनिया में आलम इस्लाम का परचम बुलंद किया है। लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो ये डेवलपमेंट के हवाले से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। नाज़रीन, आप इस पुल की हालत देखें। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कई हादसे हुए हैं, कई बच्चे यहाँ पे डूब गए क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो है पुल तामीर नहीं किया गया और अभी भी जो ये लोग हैं यहाँ के बुजुर्ग जो है इनको इस पुल से गुजरना पड़ रहा है। ये आरजी लकड़ी का पुल बनाया गया और फिलहाल जो है इनको इसी से गुजरना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, इन लोगों के मुताबिक अगर जो यहाँ पे इंतजामिया के कई लोग आए और उन्होंने यहाँ पे कई वादे किए कि हम इस पुल को जल्दी तामीर करेंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक जो है यहाँ पे पुल तामीर नहीं किया गया। इन लोगों के साथ अभी तक जो है इंसाफ नहीं किया गया। आखिर इन लोगों का यही कहना है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाए। मैं आपको बता दूँ, इनका जो सबसे बड़ा इशू है वो बिजली का है कि यहाँ पे बिजली का निज़ाम लगातार जो है वो धरम भरम रहता है और साथ ही साथ यहाँ की सड़कें जो है उनकी वो खस्ता हाल हो चुकी है और ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ का है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। और ख़ासकर ये जो पुल है, इनकी ये मांग है इंतजामिया से कि यहाँ पे जो है पुल तामीर किया जाए ताकि इन लोगों को इंसाफ हो। तमाम यहाँ पे ये लोग हमारे साथ जुड़ गए, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये इस हवाले से, इनका इस हवाले से क्या कहना है कि आखिर क्यों यहाँ पे पिछले 4 सालों से कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। तेम वन आज बन पगह बन आव हक सब तेम वन बुई बनाव आव आज हज सब परस आज गई त्रे वरी प्रारा कि कुन कह करा तवजा दिवान कि ये कदल से मतन तकरीबन तकरीबन ओठन गामन हो ये चल एक से शाहबाद हो कि अथे चे हमल ते अथे चे आपन ते अथे चे मुश्किजाल ते अथे चे चक ते अथे चे दार माला ते अथे चे मलिक माला ते अथे चे ब्याख हो रहना माला थी। लिहाजा एम लूक गड़बड़ तय कदम चलान इतने पे मतलब ये कदल से कह गौरा कर कदलस वह आज 10 वरी अस प्रारा आज ये योहस ये आइंद वक्त कमु मसला इत पे कि आईएस डीसी तुम्हें कर् नजरा दिन अलबत् वो दोपन बह बना यह कदल पगह आज तय गई नम तम कि अस गमेंट ये अपील कर डी सी सोबस खास कर डी सी सोबस कि सरन से सोन यह मसल हल ये गवर्नमेंट स्कूल मिडिल स्कूल शाहबाद शाहबाद मह जन मुशिक जाल बच्चे हिमली हिंद बच्चे तमाम इलाक बच्चे मगर लेकिन कदल के बावजूद हेकान तुम अपोर तर कि ये गो इत हादसे ओत जन जर यम पे तुम गई हचो कदल पे तुम पान आमने सामने वो वो तम पे गई तुम बन तिज लाश रच बन
بیس محلس مجھے اچھے زبردست انتہائی مشکلات کہ مہربانی کر مہربانی یہ ون سو گورنر صبح تم وات سون یہ درخواست بیس ڈی سی صبح تم باقی وسط تو ناظرین آپ نے ان کی زبانی سنا ان کی فریاد سنی کہ آخر کیا کچھ مطالبات ہیں ان کے ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ اگرچہ ہم نے اس حوالے سے جو ہے کئی گرام سبھا ہم نے منعقد کیے اور کئی پلانز ہم نے دیے کاغذوں پر تو لکھے جاتے ہیں لیکن اگر گراؤنڈ زیرو کی رپورٹ کرے تو ان میں جو ہم نے کام دیا تھا وہ ان میں سے جو ہے ابھی تک کوئی بھی کام جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا تھا ہم ان کی آخر پر یہی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس نظر انداز گاؤں کی طرف توجہ دی جائے اور یہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے۔